यहाँ पर सब जनों की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। सतीश जी आज लोगों का सहयोग लेते हुए गए नीचे और देखो ये ही मैंने देखो राधे राधे उड़ी हुई है बोल रही क्या पूरा एक आलसू तोड़ चल जो वो अच्छा था वो देख सतीश जी की ये सब भाई ने भी अभी जो सब मदद करो ना ना छाता लो अरे छाता बाबा दोनों ने आशीर्वाद दी जस्ट दारिया जी दारिया आया कि आज ले जाओ ले जाओ ले लो लगे जाओ बहुत बड़ा है ये वाला कैसे ये वाला हां आ जाओ थोड़ा ले भाई आप भाई की मांग ये वाला कैसे ये वाला रुक 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 कौन फिर ये करता हूं मैं हां वो कौन करे चलो उठा चलो ना उठो बात कर लेते हैं हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपने जैसे कि देखा कि हम जा रहे हैं शिरडी और बीच में यहाँ पे हमको रोड पे पेड़ गिरा हुआ मिला है तो उसको हटाने के लिए जिया जी बड़ी मशक्कत कर रहे हैं पर हुआ नहीं। वापस हम जा रहे हैं पीछे और कोई पतला सा रास्ता है वहाँ से होके आगे निकल जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। 3 घंटे इस पेड़ को हटाने में लगने वाले हैं। इतना लेट हो नहीं सकते, दूसरा प्लान कर दिया। अक्षय कुमार आप साइड में आ जा। सुनील शेट्टी गया वापस गया अक्षय कुमार बताने आया था खतरों के खिलाड़ी बात की जय निकले जाएंगे ये फूल छेद हो गया ये भी फूल आ गई भाई को ने टिकट किया हां भाई को फूल आ गई फूल आ गई तो वो यही ना होगा इसको पता होगा। सापुतारा का हमको मेन रोड मिल गया है वो वहाँ से हम बीच में गाँव में घूमते घुमाते इधर आ गए हैं और क्या बीच बीच में झरने मिल रहे हैं। फुल बारिश है, फुल कहीं पे बारिश नहीं ऐसा नहीं है। क्यों बारिश कैसी है? उदयपुर में भी नहीं थी बारिश। उदयपुर में उधर से कुछ भी बारिश नहीं, यहाँ पे तो मुकाबले तो कुछ बारिश नहीं है। नॉनस्टॉप मिली एक बारिश देखो पानी ओ पानी पानी शिव दी पानी पीछे ले गया। ये सब पुल है इतनी सारी बारिश के लिए नहीं बने हुए हैं। जरा वीडियो ले।
ये ले आ रहा है चलो नहीं नहीं आ रहा नहीं नहीं यहाँ से गेट बंद कर दे कोई नहीं अभी हम सब जने हमारी चाय के ब्रेक के लिए रुके थे और इतनी जबरदस्त की बारिश हो रही है, सब ने चाय पी है, कॉफ़ी पी है, नाश्ता किया है और अब हम सब जने भीग के गाड़ी में बैठे हैं, बहुत तेज बारिश है बाहर। ए पानी देखो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पानी अंदर से घुस रहा है सब जनों ने अभी यहाँ पर रेस्ट रूम के लिए यानी वॉशरूम जाने के लिए स्टॉप लिया है और यहाँ पर बिना दीदी का कट्टा यहाँ पे खुल रहा है, बच्चों को भूख लग गई है तो चिप्स के वितरण चालू है। अरे 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 ये भी जोरदार है रे कच्चा पटरे कच्चा रेलवे स्टेशन पे जा रहा है कच्चा कौन कहां जाइए भैया आराम से अब बच्चे सारे आगे सेट हो गए और हम जा रहे पीछे। ये बैग भी पीछे रखे तो आप देखो वहाँ पे बैठे दे हम चुप करना पुलिस में रखना अभी रख दो ना इधर आदमी इधर सामान यार पीछे पीछे जन्नत में आ जाओ सब जने अब आगे सेट हो गए, बच्चे हम पीछे आ गए हैं और अब शांति से यहाँ सोएंगे। यहाँ पर चिकू भी पीछे आ चुके हैं और यहाँ पर बैठे बैठे एडिट करेंगे क्योंकि एडिट हुई नहीं है कल की वीडियो रात को, क्योंकि जो हमारा माउस था वो हमारे बैग में ही था तो माउस के बिगड़ तो एडिट होना इम्पॉसिबल है। मैं बिना दी चिकू तीनों पीछे बैठे, चिकू जैसे ही एडिट कर देंगे वैसे फिर वो आगे चले जाएंगे, शिवा दीदी और भाभी पीछे शिफ्ट हो जाएंगे तो हम चारों लेडीज पीछे बैठ जाएंगे। आपने देखा ही सही बच्चों ने कैसा एकदम गेट खोल दिया था तो हम तो सब जने डर ही गए थे। अभी हम सब जने हमारे लंच के लिए खड़े रहे हैं, किसी ने नहाया नहीं है क्योंकि अच्छी होटल अभी तक आई नहीं है। हम सोच रहे शिरडी में जाके वहाँ पर होटल लेके वहीं पर रेस्ट करेंगे और वहीं पर दर्शन वगैरह करके आज वहीं होल्ड होने वाले हैं। यहाँ पर सब जनों की हालत बहुत बिगड़ी हुई है क्योंकि 24 घंटे से रेगुलर हम सब जने चल रहे हैं और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी हम यहाँ पर रायबा होटल में रुके हुए, शिरडी से थोड़ा ही पास में है ये, तो यहीं से हम लंच करके फिर शिरडी जा रहे हैं। तो हम सब जने यहाँ पर अंदर होटल में आए और होटल का बहुत ही अच्छा व्यू, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है। कैसा लग रहा है भाभी आपको, कैसा लग रहा है एनवायरनमेंट? बहुत ही ज़्यादा सब जगह ठंडा ठंडा हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है और सबके चेहरे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा थके हुए थके हुए चेहरे हैं ये हम सबके। खाना हम सब जनों ने खा लिया है और वापस से थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चालू हो गई है और मुझे तो जुकाम हो गया है जोरदार वाला। सब जने अब गाड़ी में भर रहे हैं, कब से शिरडी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है यार। हम 6 घंटे से सुन रहे हैं, 1 घंटे में शिरडी आ रहा है। शाम को 6 बजे से निकले हैं, पूरी रात हो गई और ये दूसरा दिन भी हो गया, शाम हो रही है, शाम हो गई और अभी बज गई है 4:37 हुए और अभी भी 1 घंटा बाकी है और वो भी फिक्स नहीं है। हाँ वो भी फिक्स नहीं है, पूरे 24 घंटे की यात्रा हो गई है। रोड
पहुंचेंगे पता नहीं। एडिटिंग का भी कुछ ठिकाना नहीं है कब होगी, क्योंकि माउस तो इधर घुमाओ वहां कटिंग हो जाए। सब जगह हम उतर चुके हैं और हमारी होटल भी हमने ले ली है। अभी सब लगे जेके करके निकल रहे हैं, गाड़ी पूरी खाली कर दी है। ट्रक में लगा है वो, देख ले क्योंकि ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। हाँ हाँ देख लो, शायद अभी सबने अपने अपने रूम ले लिए, अभी चेक इन कर रहे हैं हम सब। तो गाइज हम आ चुके हैं रूम में, हमारा रूम कुछ इस टाइप का है। आके तुरंत कचरा पट्टी तुरंत सब फैला दी है और ये वॉशरूम ठीक ठाक है रूम तो। ओके ओके, अब अर्जेंट चाहिए ही था और आज आपको सिर्फ सोना ही है, इस हिसाब से लिया है। तो अब रेस्ट करते हैं, नहा लेते हैं, कल के नहाए नहीं, कल यानी कल नहाए थे, आज का नहाना ही बाकी है। नहाना अभी 7 बजे 6:11 हो रही है, हमको मंदिर जाते जाते 7 बजेगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, चिको अभी नहाने के लिए गए हैं और वीडियो हमारी हो रही है रेंडर यहाँ पर। और नव ने भी नहा लिया, पूर्वी ने भी नहा लिया, पूर्वी इसकी चोटी बनवाने आई है, तो अभी मैं पूर्वी की चोटी बना देती हूँ और मैं तो कंप्लीट रेडी हूँ। तो सब जने हो गए हैं रेडी और अभी हम हमारे जो जूते हैं वो रूम में ही छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो जूते घूमने का भी रहेगा और जूते यहीं निकाल के जाते हैं। अच्छा पास में ही है, पास ही में मंदिर है साईं बाबा का, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम दर्शन करने। ये बिना दीदी हमारे रेडी हो गए। ए मम्मी पापा की जी फोटो खींचो, जब तक भाभी नहीं तैयार होकर आ रहे तब तक। तो अभी हम सब जने निकल रहे हैं रूम से, सबको दिखा देती हूँ आपको कैसे कैसे सब जने तैयार हो गए। हम भी हमारा रूम अभी लॉक कर रहे हैं। तैयार मम्मी, चलो चप्पल काट दो। यस ये चश्मत नहीं ले लो, अबर हो कर लो। हाँ, अबर रख लो। ये मम्मी भी यहाँ पे तैयार। पर्स ले भाई, पर्स पर्स भी नहीं लिए पापा। ये लव भी रेडी, बिना दी और हम सब जने सबसे पहले रेडी हुए। जिया जी और ध्वनि भी रेडी, और बिना जी सबसे पहले आए नीचे। हम तो बिना रह दोनों जने। पूर्वी भी यहाँ पर रेडी हो गया, आज तो मेरे पास मेकअप करवाया है। और हमने क्या एक्चुअली सब लेके जाने वाले थे, पर वहाँ पर तो कुछ भी मंदिर में अलाउ नहीं है, तो कैमरा भी हम यहीं पे छोड़ देंगे, फोन्स भी यहीं पे छोड़ रहे हैं। और ये हमारे बिना दी का लुक, मैं मामी के साथ, ये मम्मी का लुक, मेरा मम्मी हम दोनों के साथ, मेरा भी मम्मी और हम दोनों में सेम सेम मैचिंग सूट है। तो हट ना बेटा, और मम्मी भी अभी पहन के आएंगे सेम सूट, आई भी है मम्मी। वापस से रूम में आ गए और फ़ोन और कैमरा साथ में लेके जाते हैं और फिर डिनर करने जाएंगे सारे फैमिली के साथ, क्योंकि मंदिर में तो ना कैमरा अलाउ था, ना फ़ोन अलाउ था, कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ एक वॉच अलाउ थी। तो वॉच भी वो चिको और मेरे दोनों के कम्युनिकेशन के लिए सही रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ ज़बरदस्त की, पर दर्शन हमको बड़े अच्छे हुए। तो अभी सब जने अपने रूम में गए हैं फ़ोन और ये सब लेने के लिए। तो हम जैसे ही अब यहाँ से फ़ोन वोन लेके फ्री होते हैं, यहाँ पर वीडियो हो रही है अपलोड, जो कि आपने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी हो तो जाके जल्दी से देख लो। तो अब चलते हैं हम लंच के लिए, डिनर के लिए, और डिनर के लिए भी हम चिकू के और इनके कोई कलीग्स हैं, उन्होंने ही सजेस्ट किया, तो उस जगह पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं पर अभी देखो, चलो। अच्छा वहाँ जाके आपको बताती हूँ मैं होटल का नाम। बहुत शानदार खाना है, अच्छा ही होगा। फ़ोन का है मेरा, पहली बार इतना मामा भांजी का प्यार देखने मिल रहा है, बाकी लड़ाते ही रहते दोनों। चिकू के दोनों बड़े भांजों से नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये बिना दीदी की ड्रेस ही पूरी चेंज हो गई है, मम्मी और हम उसी ड्रेस में हैं, और अभी खाने के लिए जा रहे हैं। हम सब जने पहले उतर गए, बाकी सब आने बाकी है, न वहाँ खड़ा है। ये पप्पी कर रहे मामा को, मामा के बराबर होगा। हाँ ये और लंबी होगी, देखना देखो मेरे बराबर होगी, बिना दी से मेरे से लंबी है ये। ये कौन कहता है ध्वनि की आई है। ले सतीश जी की वीडियो ले।
खाना खाने के लिए अभी जाना है हमको, तो हम होटल ही ढूंढ रहे हैं। आगे मम्मी पापा चल रहे हैं। पहले बोलते यार पैसे बचा था यार सजेशन साथ साथ में दे रही हूँ। शिवाजी के हाथ खकरे लग रहे, हैंड क्रीम लगाओ। अब इसको टेंशन हो जाएगी कितनी देर तक। हाँ मम्मी दूंगा, चलो हैंड वॉश करके आ हाथ धो दे एक बार, हैंड वॉश कर। ओके बहुत स्पेशियस जगह है, एकदम मस्त पीसफुल है। अब मैं बोलूँगा क्या ऑर्डर, जो जो पैसा दे रहा है वो ऑर्डर देगा। बच्चे को बच्चे को बुला, फोटो खींचो भाई, अंदर बैठ के खाने का। बच्चे को बुला ले। जो भी यही आया, क्या डोसा है, क्या खाकरा है, खाकरा डोसा है, बहुत यम्मी है। थोड़ा सा मेरे को भी दे दो ना। जब हम सब जनों ने खाना खा लिया है यहाँ पर, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब एक एक करके यहाँ से हम निकल रहे हैं, और यहीं पर होटल वालों का जो टैक्सी चलता है, हाँ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है, तो वही सर्विस हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा दूर तो हमको ऑटो भी नहीं मिलने वाला है। हाँ ये टैक्सी आ चुकी है हमारी, अब सब जने इसके अंदर लोड होने वाले हैं। हो जाएंगे जिया जी, हाकड़े मोकड़े बैठ जाएंगे। आप ऊपर बैठ जाओ, तीन बच्चे आगे आ जाएंगे। ड्रॉप ड्रॉप बोले हमको रुक के रखना। एक गोदी में बैठ बैठ जाना। वो कुछ गिर गया। साइड साइड से था। हाँ। नॉन स्टॉप निकले ही जा रहे।
हाँ देख लो क्या थक गए जबरदस्त। 12:30 हो गई है और ऑटो में हम कैसे कैसे बैठ गए, आपने देखा ही होगा। यानी एक की गोदी में, एक सिर्फ मेरी गोदी में कोई नहीं बैठा था। रूम कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ है। और हम भी सब जने बहुत ज़्यादा थक गए। 12:30 बज गई है और चिको अभी व्लॉग ये वाला एडिट करने वाले हैं, तो ये भी चला जाए। नहीं कर, अब सो रहे हैं ना, थक गए तो ठीक है, अब सो जाते हैं। यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। कल की जर्नी कुछ और है, कल के ब्लॉग में ही बताऊंगी।